एक समय की बात है, घने जंगल में रहने वाले एक सियार गीदड़ की उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक था, लेकिन ऊंट सीधा साधा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी मित्रता बरकरार थी। एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंचा, तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ। कहो, आज दोपहर को ही कैसे आ गए? मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। सुना है तरबूज पक गए हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने ना आता, बस दौड़ा चला आया। सियार ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऊंट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। वाकई तरबूज खाए कितने दिन हो गए। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख सियार बोला, मित्र मुझे भी तरबूज पसंद है, मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। कैसी बात करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर नदी पार के खेत में ले चलूंगा। हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे, ऊंट ने कहा और सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छककर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझा गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उसने ऊंट से पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ हुआ की आवाज न निकालूं, तो मेरा खाना नहीं पचता, सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊंट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर के मारे चीखा, ये क्या कर रहे हो मित्र? मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, ऊंट ने उत्तर दिया। सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरी रास्ते डरा समा सा रहा।
उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ चालाकी नहीं की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए।